Assalamu alaikum, dear cadets, respected parents. It's a long time we could not talk. I thought this is a time that I must talk to you. So interaction is very, very important. आजकल जो ना टॉप ट्रेंड में है कोरोना, हर जगह बात हो रही है कोरोना, और लगता है कि इस कोरोना की वजह से वी आर नॉट लाइक टू वी यू नो हैविंग अ क्लोज इंट्रैक्शन वेरी सून. और कॉलेज का तो लगता है कि मे बी फॉर सम टाइम इट रिमेन क्लोज. अभी तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की हुई है कि 5 अप्रैल तक बट इज लाइकली टू बी एक्सटेंडेड. माई कंसर्न इज यू शुड नॉट बी गेटिंग पैनिकी अननेसेसरली इस पे कोरोना की वजह से, बट वी मस्ट टेक द प्रिकॉशन मेजर्स. जितने भी प्रिकॉशन मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वी मस्ट टेक. और सो मैनी मैसेजेस विच आर स्प्रेड बींग स्प्रेड अराउंड द सोशल मीडिया यू नो इट, उसमें हमें करने की जरूरत है. वी मस्ट अडॉप्ट दोस, वी मस्ट टेक प्रिकॉशन मेजर्स इन टू अकाउंट. जिसमें सबसे पहली बात है सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वी हैव टू कीप आर सेल्फ नीट एंड क्लीन. सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हाथ क्लीन करें, अपने आप को बॉडी को क्लीन करें, मस्ट टेक रेगुलर शावर. एंड बिसाइड दिस यू शुड बी रेगुलर इन योर प्रेयर्स. नमाज और कुरान अल्लाह ताला ने टाइम दे दिया है, मेरा ख्याल है कि वी मस्ट टेक इन टू अकाउंट एज वी आर डूइंग हेयर इन द कॉलेज. मस्ट स्पेंड द टाइम regularly for offering your prayers 5 times. और जो आप में से रोज़ा भी रखना चाहते हैं, द टाइम इज़ अवेलेबल एट होम, यू आर क्वाइट कम्फर्टेबल, रोज़ा भी रखें और कुरान पाक को टाइम दें. ज़रूर जितना हमने पढ़ चुके हैं, मेरा ख्याल है कि उनको अगर हम रिवाइज करते रहें तो दैट इज़ गोइंग टू पे यू रिच डिविडेंड सब्सिक्वेंटली. और वो उस पर हम अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं, बहन भाई के साथ भी डिस्कशन हो सकती है. और ये अल्लाह ताला ने ऐसा टाइम आपको दे दिया है वेर यू नीड टू बी इंटरेक्टिंग विद योर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग विद योर नेबर्स एंड रिलेटिव्स. जो एक प्रिकॉशन मेजर है वो हमें देखनी चाहिए. हमें ज़्यादा खौफ नहीं खाना चाहिए, अपनी एहतियात ज़रूर करें, एहतियात करें और अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करें. इसके साथ साथ मैं इस चीज़ पर ज़रा एम्फेसिस करना चाहूँगा के फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री के लिए पर्टिकुलरली आई एम रेफरिंग टू फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री. यू ऑलरेडी कवर द कम्प्लीट सिलेबस एंड यू हैव डन द रिवीजन्स, एटलीस्ट रिवीजन द शेप ऑफ योर राउंडअप टेस्ट, स्टैंडअप्स एग्जाम्स एंड द प्री बोर्ड एग्जाम्स. अभी अल्लाह ताला ने आपको टाइम दे दिया है. मेरा ख्याल है कि जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा सा वीक है द डिफरेंट सब्जेक्ट, दे मस्ट कंटिन्यू वर्किंग हार्ड. और जो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करें. Do not take the time as a leisure time. This time must be utilized correctly. And I've been telling you again and again, the time is money, money is yours. If you waste it, it won't come back. If you invest it, it will multiply and give you the result accordingly. Mera khayal hai ki time schedule aap follow kare. This is my advice to you. And yahan pe main parents ko bhi suggest karunga ki isko closely monitor kare. रूटीन एक रूटीन जो हमारी कॉलेज वाली रूटीन को उसको फॉलो करें. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑफर योर प्रेयर्स यू नो आफ्टर टेकिंग ए शावर, टेकिंग एब्लूशन सब्सिक्वेंटली, स्पेंड सम टाइम फॉर रिसाइटिंग द होली कुरान. कुरान पाक को पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें, जितना हमने पढ़ चुके हैं उसको देखें. उसके बाद कंटिन्यू फ्रॉम द पार्ट वन. लाइफ जो आजकल हमारे पास टाइम अवेलेबल है, इसको आप एक स्केड्यूल दें. स्केड्यूल इट शुड बी क्लोज टू द नेचर. Get up early in the morning. Those they are regular for the tahajjud prayer, they should know at the tahajjud ka time aata hai 4:40 tak hota hai. Get up say about 4:15 or 4:30, offer the tahajjud prayer, subsequently followed by the fajr prayers and the quran pak ki tilawat kare. And then after that, you know, there's a fresh mind in the morning is a better recipient memorization ke liye behtar hota hai. वो टाइम आप 6 से 8 बजे तक का टाइम दें वेर यू कैन स्टडी कम्फर्टेबली. टाइम जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आप फील करते हैं उस सब्जेक्ट को वो टाइम यूटिलाइज करें, उस सब्जेक्ट की मेमोराइजेशन के लिए वो टाइम यूटिलाइज करें. उसके बाद यू शुड बी सिटिंग विद योर फैमिली एंड इन द मॉर्निंग डू द ब्रेकफास्ट. 8 से 9 बजे का टाइम ऐसा होना चाहिए जो कि आपका रेगुलर विद द फैमिली डू द ब्रेकफास्ट. एंड आफ्टर breakfast say 9 o'clock you again set for the studies and that would continue till 1 o'clock. So meaning by you have utilized correctly the morning time. And 1 baje ke baad aapko thoda sa break dena chahiye. After that you should have a break for the zuhr prayer.
After offering the Zohar prayers, sit with your family and have a lunch. And lunch ke baad, you must spend time for the rest. Aap nap to give 1 se 2 ghanta, depending upon your tiredness, you can take. So at least 2 se 4 baje ka time aapka rest ka time hona chahiye. Uske baad again get up, prepare yourself for the Asr prayer. Asr ki namaz padhe, Asr ki namaz ke baad, then again, you know, some time should be spent for the stretching out. Ghar mein stretching out ki exercise rakhe jo ki aap routine mein thi. Otherwise, you know, you are likely to gain weight, and whatever the effort you have done in previous years, it will be totally wasted. Then sit for the studies till maghrib time. Maghrib ke taqriban 1 ghanta aapko study ka dena chahiye. Uske baad maghrib ki namaz padhe. Maghrib aur isha ke darmiyan ka time hai. That is a very precious time. Main ye chahunga ke whatever you learnt at, you know, carry out vertical and lateral communication, and ghar ke andar Quran class ka ehtimam kare. Jisme I'll request the parents, please organize that proper class, and your daughters, they are very well led, mashallah, inhone acha padha hai, suna hai, isko discussion kare. Aur main to khud in bachon se seekhta raha, I've been learning throughout, you know, aur some of the other, mere liye wo time jo na pause aa gaya hai, jo main bachon se seekhta tha question answer mein, jo unki vision ko dekhta tha, wo no, the time is available with you, you share your views and learn from them. I know they have a lot of talents and they are well read. Uske baad Quran class ke baad isha ki namaz padhe, then again give at least 1.5 hour to 2 hours that your studies, that should be, you know, conclusive one, and after that you go to sleep. Before I conclude, I would like to say that, you know, we should not be worried. Challenges, what makes the life very interesting, overcoming them is what makes the life meaningful. And as a Muslim, we should never be disappointed what is happening around us, and limit yourself, inshallah you will stay safe. Isme ye main zikr karunga, I will just like to conclude with the message of Holy Prophet. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam jab bhi mushkil hoti thi to usme zikr karte the, ye zikr subah sham isme regular kare, inna rabbi ala kulli shay'in hafiz, inna rabbi ala kulli shay'in hafiz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.